मणिपुर में आदिवासियों और बहुसंख्यक मेती समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद 9000 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो गए हैं। कई परिवारों ने पड़ोसी राज्य असम में शरण भी ले ली है। इसी के बारे में जानकारी देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैंने प्रशासन से सभी परिवारों की देखभाल के लिए कहा है, सभी को निर्देशित कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आदिवासी और बहुसंख्यक मेती समुदाय के बीच पिछले काफी दिनों से हिंसा भड़की हुई है और एक स्टूडेंट मार्च के दौरान यह हिंसा काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में मणिपुर के हालात खराब नजर आ रहे हैं। बॉक्सर मैरीकॉम ने भी कल ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद करें। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मैंने कछार के जिला प्रशासन से परिवारों की देखभाल करने का अनुरोध किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ भी लगातार संपर्क में हूं। इस संकट की घड़ी में असम सरकार ने पूरा समर्थन देने का संकल्प लिया है। मणिपुर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने गंभीर स्थिति में देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 कॉलम को तैनात किया गया है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि समझाने और चेतावनी के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आने पर देखते ही गोली मारने की कार्रवाई की जा सकती है। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि हालात के दोबारा बिगड़ने की सूरत में कार्रवाई के लिए सेना के 14 कॉलम को तैनाती के लिए रखा गया है। सेना और असम राइफल्स ने गुरुवार चुराचांदपुर और इम्फाल घाटी के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कई जिलों में भी फ्लैग मार्च किया गया। वहीं हिंसा की गंभीरता को रेखांकित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की और राज्य की स्थिति का जायजा लिया। मणिपुर के हालात की निगरानी कर रहे केंद्र ने आरएएफ को भी वहां पर भेज दिया है। आरएएफ लगातार स्थिति और हालात का जायजा ले रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। बता दें कि नगा और कुकी आदिवासियों द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद बुधवार को हिंसा भड़क गई, जो रात में और तेज हो गई। दरअसल राज्य की आबादी में 53% हिस्सा वाले गैर आदिवासी मेती समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के खिलाफ चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता रैली निकाली थी। इसी दौरान यह हिंसा भड़की। जानकारी के मुताबिक लगातार प्रशासन हिंसाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।